गुड इवनिंग। आज 1 फरवरी 2023 और आज बजट जो प्रेजेंट हुआ मॉर्निंग में, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि मोहन हाउसा, जो एसपीएम कॉलेज से रिटायर हुई हैं 38 इयर्स की टीचिंग के बाद। हमारे पास क्वेरीज आई हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओल्ड रिजीम, नया रिजीम और किन के लिए ये अच्छा रहेगा कि वो नया टैक्स रिजीम चूज करें या ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करें। टैक्स रेट्स अंडर न्यू रिजीम और ये फाइनेंशियल ईयर है 2023-24। इसका मतलब है इसका पीरियड जो होगा 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 24 और उसके बाद आता है असेसमेंट ईयर 2024-25। नया रिजीम जिसमें एडमिशन लिमिट सबके लिए कॉमन है और ये इस बजट में इंक्रीज कर दी गई 2.5 लाख से 3 लाख। नए रिजीम एज कोई भी हो, आप 60 इयर्स से कम हैं, 60 इयर्स से ज्यादा हैं या 80 इयर्स से ज्यादा हैं, सबके लिए बेसिक एडमिशन लिमिट एक ही रहती है और वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए रहेगी 3 लाख। सरचार्ज पहले 4 रेट्स थे लेकिन नए रिजीम के अंदर सिर्फ 3 रह गए हैं। 10% लगेगा यदि आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है तो 15% और 2 करोड़ से ऊपर है तो 25%। नए रिजीम के अंदर 37% वाली स्लैब को हटा दिया गया है। इनकम पर लगता है सरचार्ज, यदि इनकम एक्सीड कर जाती है 50 लाख की लिमिट से और दोनों को मिलाकर करते हैं हम हेल्थ एजुकेशन सेस जो कि 4% है, इसमें कोई किसी तरह का चेंज नहीं है। स्लैब्स पहले 6 थे, 1 स्लैब को खत्म कर दिया गया है और ये बाय डिफॉल्ट यदि आप कुछ लिखकर नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट आपका एम्प्लॉयर ये मानेगा कि आपने नया टैक्स रिजीम चूज करने का सोचा हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जरूर है, 3 लाख तक कोई आपको टैक्स नहीं देना, 3 लाख टू 6 लाख की फर्स्ट लैक जो कि 5% है और ये प्रोपोर्शनल टैक्स नहीं है, ये स्लैब रेट के हिसाब से होता है। नेक्स्ट स्लैब आती है 6 लाख से 9 लाख और वो है 10% की। 9 लाख टू 12 लाख ये स्लैब है 15% की और 12 लाख से 15 लाख 20%। जितनी भी आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी एट द रेट ऑफ 30%। नए टैक्स रेट रिजीम में पहले स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो सैलरी और पेंशन पे जो मिलती है 50,000 वो अलाउड नहीं थी लेकिन इस बजट में अलाउड कर दिया गया है। फैमिली पेंशन में होता था 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस। नए टैक्स रेट रिजीम में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंट्रोड्यूस कर दी गई और पहले ये अलाउड नहीं थी। आपको 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस कोई नहीं मिलती नए टैक्स रेट रिजीम में, लेकिन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम जो सेक्शन एप्लीकेबल है 80CCD ब्रैकेट में टू, ये आपको पहले की तरह कंटिन्यूड मिलता रहेगा नए रिजीम में भी और ओल्ड रिजीम में भी। ओल्ड रिजीम के टैक्स रेट्स में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। यदि आपकी एज 60 इयर्स क्रॉस नहीं की तो एग्जम्पशन लिमिट रहेगी 2.5 लाख। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर 5 लाख। जो नॉन रेजिडेंट होते हैं उनके लिए 2.5 लाख और पहला स्लैब ओल्ड रिजीम के अंदर कोई चेंज नहीं, अप टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% और 10 लाख सुपर 30%। सरचार्ज इसमें कोई चेंज नहीं, अप टू 50 लाख कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से ऊपर और 100 लाख तक 10%, 100 लाख से 200 लाख 15%, 200 लाख से 500 लाख 5 करोड़ 25 और यदि इनकम क्रॉस हो जाती है 5 करोड़ से ऊपर तो सरचार्ज लगेगा 37%। मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही रहेगा यदि आपकी इनकम डिविडेंड से आती है, इनकम आती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स या सेक्शन 112। हेल्थ एजुकेशन सेस पहले
की तरह वही रहेगा 4%, और मैक्सिमम रिबेट जो मिलेगी ओल्ड रिजीम के अंदर वो मिलेगी 12,500, और ये इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यदि 5 लाख को इनकम क्रॉस कर जाती है तो आपकी 87A की रिबेट को खत्म कर दिया जाता है, और ये रिबेट नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलती। न्यू टैक्स रेट रिजीम के अंदर रिबेट अलाउड है, और वो अलाउड है अप टू टैक्सेबल इनकम ऑफ ₹7 लाख। फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द क्वेरीज, आजकल के दिनों में जनवरी फरवरी में ही कैलकुलेशन के लिए ये वाले रूल्स यूज होंगे, और रूल्स जो है आज जो बजट प्रेजेंट किया गया वो एप्लीकेबल है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, और उसमें हम जो इनकम लेते हैं वो होगी 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 24, और जो जिस क्वेरी की आप बात कर रही हैं वो है इनकम फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो 22-23 की जो कैलकुलेशंस कॉलेजेस में चल रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में चल रही हैं या कंपनीज में चल रही हैं, उसका इस बजट से कोई मतलब नहीं है। ओल्ड ये रिजीम्स क्या है, ओल्ड रिजीम क्या है, न्यू रिजीम क्या है, कौन सी रिजीम बेनिफिशियल रहेगी ऑप्ट करने के लिए? ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम ये इस साल से नहीं, ये पिछले 2 साल से चल रहे हैं, और ये आपके लिए एक ऑप्शन है। यदि आपको लगता है कि ओल्ड रिजीम में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है तो आप ओल्ड चूज करें, यदि आपको लगता है कि आपका नया टैक्स रिजीम में टैक्स लायबिलिटी कम है वो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा थंब रूल नहीं है। आपको कैलकुलेट करना चाहिए, आप अपना ओल्ड रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करें, नया टैक्स रेट रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करें, और रिटर्न भरते टाइम यदि आपने एम्प्लॉयर को लिख दिया कि मुझे ओल्ड चाहिए, आप बाद में लगता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी नए में कम है, आप नया चूज कर सकते हैं कि आपने इस साल चूज किया ओल्ड और 2023-24 के अंदर आपको नया सूट करता है, आप नए में जा सकते हैं। जो आपने पूछा कि दोनों रिजीम में फर्क क्या है, फर्क ये है ओल्ड रिजीम के अंदर आपको सेविंग जो आप करते हैं इनकम टैक्स बचाने के लिए, ATC, PPF, PF, NSCs या इंटरेस्ट और हाउसिंग लोन का रिबेट 2 लाख का, मेडिक्लेम, डोनेशंस, इन सब का डिडक्शंस मिलता है, लेकिन आपको नए टैक्स रिजीम में ना आपको HRA की एग्जेम्प्शन मिलेगी, ना आपको ATC की डिडक्शंस मिलेगी, ना आपको मेडिकल इंश्योरेंस की मिलेगी, ना आपको डोनेशंस मिलेगी, और ना ही आपको ATU की मिलेगी। तो ये आपको खुद कैलकुलेट करना है, और दोनों को कंपेयर करने के बाद ही रिटर्न फाइल करें कि जिसमें आपका फायदा ज्यादा। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यदि आप एम्प्लॉयर को कुछ नहीं बताते तो ये माना जाएगा आप न्यू टैक्स रिजीम को चाहते हैं, यदि आपको ओल्ड रिजीम चाहिए तो आपको एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना होगा, और आपको अपनी डिडक्शंस की ATC से लेकर ATU तक, HRA की ये आपको या इंटरेस्ट हाउसिंग लोन की ये डिडक्शंस आपको अपने एम्प्लॉयर को बतानी होगी, तभी वो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करेगा और TDS काटना शुरू कर देगा। Which regime is more beneficial? रिजीम कौन सा अच्छा है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी वो रिजीम अच्छा है, और ऐसा कोई आंसर नहीं है। किसी का सिनेरियो कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा, कोई सेविंग कर रहा होगा, कोई दूसरा नहीं कर रहा होगा। किसी के पास इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन लेना है, तो ये हम क्लियर कट बिल्कुल नहीं कह सकते कि सबको न्यू रिजीम ही ठीक रहेगा। नए रिजीम में 2023-24 से मोस्ट ऑफ दी जो एसएससी होंगे वो नया टैक्स रेट रिजीम चूज करेंगे, क्योंकि इस साल से 2023-24 से स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी इसमें दे दी गई है। आज जो बजट अनाउंस हुआ उसमें ओल्ड रिजीम में कुछ चेंज दिया गया? ओल्ड रिजीम के अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। ओल्ड रिजीम के कंपैरिजन में यदि आप न्यू टैक्स रेट रिजीम देखें तो उसमें सरचार्ज की 4 की जगह 3 स्लैब्स कर दी गई, स्टैंडर्ड डिडक्शंस पेंशन पर और फैमिली पेंशन पर भी शुरू कर दी गई है, और न्यू रिजीम के अंदर टैक्स के स्लैब रेट्स जो पहले 6 होते थे वो 5 कर दिए गए हैं। पहले न्यू स्लैब
न्यू टैक्सेटिज्म के अंदर 2.5 लाख होती थी, तो जितने भी चेंजेस हैं वो सारी न्यू टैक्सेटिज्म में हैं, ओल्ड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। आज के बजट में ये अनाउंस हुआ कि जिन लोगों की भी इनकम 7 लाख तक है या उससे कम है, उन लोगों के ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, दैट मीन्स 0 टैक्स रहेगा। तो पर एग्जेम्पशन तो सिर्फ 3 लाख पर है। टैक्स लायबिलिटी क्यों 0 हो जाती है? यदि आपकी इनकम 3 लाख तक है तो उसको कहते हैं बेसिक इनकम लिमिट, आपको ITR फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपकी इनकम होती है 3 से 6 लाख तो उसमें स्लैब रेट है 5% की। 3 लाख का 5% हुआ 15,000 रुपया और 6 से 7 लाख जो स्लैब है वो है 10% की। 1 लाख का 10% 10,000 रुपया, तो 10,000 और 15,000 अमाउंट हो जाता है 25। यदि आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलती है सेक्शन 87A के अंदर, उसके कारण आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाती है। लेकिन यदि आपकी इनकम हो गई 7,100 रुपया तो आपको ये रिबेट जो 87A की है वो नहीं मिलेगी। न्यू टैक्स रेट रिजीम में एडमिशन लिमिट है 3 लाख निल, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10% की स्लैब रेट है। हमने इनकम डाली 7 लाख रुपीज, अब 7 लाख पर नए टैक्स रेट रिजीम में टैक्स 25,000 बनता है। वो कैसे बना? 3 लाख तक 0, 3 लाख से 6 लाख अमाउंट हुआ 3 लाख और उसका 5% अमाउंट होता है 15,000। 6 लाख से 7 लाख का स्लैब, 1 लाख का 10% अमाउंट हो गया 10,000, 15 + 10 = 25 बिकॉज ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्योंकि टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है इसलिए रिबेट मिल गई और टैक्स लायबिलिटी हो गई 0। लेकिन यही व्यक्ति ओल्ड रिजीम चुन ले तब क्या होगा और कोई सेविंग ना करे तो 7 लाख की इनकम पर इसका टैक्स बनता है 52,500। रीजन, इसका एडमिशन लिमिट 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख 5% अमाउंट होता है 12,500, 5 लाख से 7 लाख का जो अमाउंट लगेगा वो लगेगा 20% पर, अमाउंट हो जाता है 40,000, 40,000 प्लस 12,500 अमाउंट हो गया 52,500, 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा, अमाउंट हो गया 54,600। इसको रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि रिबेट 87A की ओल्ड रिजीम के अंदर कोई चेंज नहीं। यदि इनकम 5 लाख को क्रॉस कर जाती है तो रिबेट इसमें 0 है। डॉक्टर राठौर, अगर किसी की सैलरी 10 लाख रुपीज है, यदि सैलरी का अमाउंट है तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगी और वो है मैक्सिमम 50,000। 10 लाख सैलरी पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलने के बाद अमाउंट आ गया 9,50,000 और कोई सेविंग यदि ये नहीं करता तो टैक्स लायबिलिटी बनती है 1,06,600। लेकिन नए रिजीम के अंदर 10 लाख सैलरी, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगा 9,50,000 और 9,50,000 पर टैक्स बनता है 52,500 प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस के साथ 54,600। यदि व्यक्ति सेविंग कर ले 1,50,000 की, 50,000 का 80 CCD 1B के अंदर, मेडिक्लेम 25,000, तब भी ओल्ड रिजीम के अंदर इसकी टैक्स लायबिलिटी 59,800 है और न्यू के अंदर 54,600 है। तो आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर वो ओल्ड रिजीम ऑप्ट करता है तो उस केस में सेविंग करने के बाद भी उसका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो न्यू रेजिम के कंपैरिजन में ज्यादा आ रही है। तो इस पर्सन के लिए क्लियरली जो है न्यू रेजिम जो है बेनिफिशियल दिख रही है। यस, आपको हर केस में कैलकुलेशंस करनी होगी तभी आपको डिसीजन ले पाएंगे कि विच रेजिम चूज करना चाहिए। अगर किसी की सैलरी 15 लाख रुपीज है
ओल्ड रेजीम और न्यू रेजीम में? यदि 15 लाख की सैलरी अमाउंट है, 50,000 मिलेगी स्टैंडर्ड ओल्ड रेजीम के अंदर और अमाउंट हो जाता है 14,50,000। टैक्स लायबिलिटी बन गई 2,57,400। लेकिन यदि यही व्यक्ति न्यू रेजीम चूज कर ले तो 15 लाख पर मिलेगी स्टैंडर्ड 50,000, 40,50,000 और टैक्स लायबिलिटी बनती है 1,40,000 और हेल्थ एजुकेशन सेस के साथ अमाउंट हो जाता है 1,45,600। तो नया रेजीम ही सूट करेगा। लेकिन यदि सेविंग कर लेता है 1,50,000 की पीपीएफ पीएफ एनएससी के अंदर, 50,000 का 80CC1B के अंदर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000, हम जो केस ले रहे हैं ये सब ले रहे हैं नॉन सीनियर सिटीजन के, जिसमें मैक्सिमम अलाउड है 25,000 और डोनेशन वो देता है 10,000 पीएम केयर फंड में, तो ऐसे केस में भी उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है ओल्ड रेजिम के अंदर 1,84,080 और न्यू रेजिम के अंदर इसकी टैक्स लायबिलिटी 1,45,600 है। और यदि इसका सेविंग बैंक इंटरेस्ट हो जाता है 20,000 तो 80TTA की इसको डिडक्शन मिलेगी ओल्ड रेजिम के अंदर, जो कि न्यू के अंदर नहीं मिलती, इसको मिलेगा 10,000। तो टैक्स लायबिलिटी है 1,87,200 और नए रेजिम के अंदर है 1,49,760। लेकिन इसने 2,00,000 का इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का पेमेंट किया, तब क्या होगा कि इसकी इनकम रह गई ओल्ड रेजिम के अंदर 10,25,000 और टैक्स बना ओल्ड रेजिम के अंदर 1,24,800। लेकिन नए रेजिम के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए जो 2,00,000 मिलता है वो न्यू रेजिम के अंदर आपको नहीं मिलेगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 1,49,760। इस केस में इसको ओल्ड रेजिम लेना जाएगा। इन सब एग्जांपल्स को देखते हुए ये क्लियर हो जाता है कि हम कोई थंब रूल नहीं बना सकते कि हमें ओल्ड रेजिम ऑप्ट करनी चाहिए या न्यू रेजिम ऑप्ट करनी चाहिए। ये केस टू केस वेरी करेगा, इसलिए कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा रेजिम ऑप्ट करना है या चूज करना है फॉर आवर बेनिफिट। यस डॉक्टर रवि आहूजा, ये बात बिल्कुल ठीक है, हमें हर बार कैलकुलेशंस करनी होगी, कोई ऐसा थंब रूल नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। थैंक यू डॉक्टर रवि आहूजा। थैंक यू वेरी मच।